अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू कुक विद दरक्षा। आज हम बनाएंगे एक क्लासिक अरेबियन डेजर्ट जो है अरेबियन पुडिंग। अरेबियन पुडिंग एक बहुत ही फेमस डेजर्ट है मिडल ईस्ट में। इसमें हम यूज करेंगे मिल्क, शुगर, कस्टर्ड पाउडर एंड फ्रेश क्रीम। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर हम बनाएंगे एक क्रीमी और फ्लेवरफुल पुडिंग। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैं आपकी होस्ट दरक्षा और आप देख रहे हैं कुक विद दरक्षा। सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे मिल्क। तो यहाँ पे मैं 500 ml जितना मिल्क ऐड कर रही हूँ और मिल्क को हम अच्छे से बॉईल होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे मिल्क अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप जितनी चीनी और इसे अगेन हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने बाद एक छोटे से बाउल में रूम टेम्परेचर जितना हम मिल्क लेंगे उसमें हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 teaspoons जितना कस्टर्ड पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे हम मिल्क में ऐड करेंगे और इसे मिलाते हुए जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक मिल्क थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं थिक हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद करके इसे रख देंगे हम ठंडा होने। यहाँ पर हम लेंगे ब्रेड की स्लाइस। स्लाइस की जो एजेस है उसे कट करके हम निकाल लेंगे। सारे ब्रेड की एजेस को हम पहले से निकाल के रख देंगे। असेंबल करने के लिए यहाँ पे मैं ली हूँ ग्लास की ट्रे। पहले हम इस पे ब्रेड की लेयर लगा देंगे एक अच्छे से। यहाँ साइड में जगह कम है इस वजह से मैं ब्रेड को हाफ कट करके ऐसे सेट कर दूंगी। ब्रेड की एक लेयर अच्छे से सेट हो जाने बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कस्टर्ड मिल्क जो हमने बना के रखे थे। अच्छे से इस पे स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे हम फ्रेश क्रीम की। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप इसे नहीं भी डाल सकते हो। फिर हम इसके ऊपर सेकंड लेयर लगाएंगे ब्रेड की। तो मैंने इसे ऐसे ही कट करके लगाई हूँ। फिर अगेन इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे कस्टर्ड मिल्क और लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम अच्छे से। अच्छे से फ्रेश क्रीम की टॉपिंग करने बाद थोड़े से हम नट्स इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो इसे मैं नट से डेकोरेट करने लगी हूँ। अच्छे से इसको डेकोरेट कर लेंगे हम। अच्छे से डेकोरेट करने बाद इसे हमें रख देना है फ्रिज में ठंडा होने। तो यहाँ पे हमारा जो अरेबियन पुडिंग है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और अगर आप चाहो तो ऐसे आप छोटे से बाउल में भी जमा सकते हो। अरेबियन पुडिंग बनाना इतना आसान था। ट्राई करें ये रेसिपी अपने घर में और शेयर करें हमें अपना क्रिएशन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।